अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली वेलकम टू माय जेंगो कोर्स। इसमें मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता हुआ चलूँ कि वेयर वी आर करंटली इन दिस होल फ्रंट एंड एंड बैक एंड और फुल स्टैक डेवलपमेंट लैंडस्केप। फ्रंट एंड हम कवर कर चुके हैं, विच इज़ दिस पार्ट। यहाँ पर HTML, JavaScript, CSS, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। जो आपको स्क्रीन पे ब्राउज़र सर्व कर रहा होता है, ब्राउज़र बेसिकली एक HTML, CSS, JavaScript बेस्ड कोड को रेंडर करके आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखाता है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है जब भी आप वेब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं। पीछे क्या चल रहा होता है, जो इसको ये पूरा सेट मिलता है, HTML का पेज मिलता है इन तीन कंपोनेंट्स के साथ, वो बैकएंड ने सर्व करना होता है। बैकएंड ने कैसे सर्व करना होता है, बैकएंड ने कोई लॉजिक यूज़ करके डेटाबेसिस के साथ इंटरेक्ट करके आगे आप जो भी फंक्शन या जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वेब सर्वर पे देना होता है, जो कि वेब सर्वर आपका जेंगो बनाता है। उसका अपना एक मेथड है, एक खास टेम्पलेट है, जिसकी बेस पे वो सारे बना के आपको फ्रंट एंड पे सर्व कर देगा। अभी हमने पाइथन कवर कर लिया, अभी हमने जेंगो कवर करना है। ये जो SQLite है, ये बेसिकली आपको बेसिक्स SQL और डेटाबेसिस की समझ है तो दैट इज सफिशिएंट। बाकी इसमें हम रिलेशनल डेटाबेसिस या मॉडलिंग कैसे करते हैं वो जेंगो में भी कवर हो जाती है। उसके लिए आपको अलग से SQL ना भी सीखें तो आप जेंगो बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। हमने जेंगो क्यों सीखना है और इसमें क्या क्या टोटल कॉन्टेंट है, ये आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो और ये कोर्स हर उस बंदे के लिए जो पाइथन का एक्सपर्ट है और वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जाना चाहता है। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे व्हाई जेंगो। सो देयर आर फ्यू रीजंस। एक तो ये पाइथन बेस्ड वेब फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, जो भी लोग अल्टीमेटली किसी AI फील्ड में या AI टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं और साथ साथ वेब डेवलपमेंट को भी साथ रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो इस तरह के सोल्यूशंस जो वेब पे अवेलेबल हो सकें और AI बेस्ड हों, उनके लिए ये बहुत सूटेबल प्लेटफॉर्म है, बिकॉज इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन AI टेक्नोलॉजी एंड वेब डेवलपमेंट। उसके बाद इसकी जो खूबसूरती ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आपको बना बनाया कोड होता है। हर चीज़ ऑलमोस्ट जो सारे यूज़ केसेस हैं ना वेब डेवलपमेंट के अंदर, जो चीज़ें आपने लेट से एक फंक्शन है वो किसी HTML को डिस्प्ले कराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बजाय कि आप उसे तीन चार लाइनों का फंक्शन लिखेंगे, इसमें जेंगो में क्लास बेस्ड व्यूज़ होते हैं जिसमें आप जस्ट HTML का नाम लिखते हैं और वो सर्व हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें इस तरह हैं जो पहले से आपको, जिसके फंक्शंस पहले से डिफाइंड है वेब बेस्ड, और आप सिर्फ उसको एक लाइन से कॉल कर सकते हैं। सो यू अचीव अ लॉट विद जेंगो विद वेरी लेस कोड। उसके अलावा एक्सीलेंट सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी, ये हम जब सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी की डिटेल लेक्चर्स पे आएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे स्केल किया जाता है और सिक्योरिटी किस तरह हैंडल की जाती है जेंगो पे। उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जेंगो इज SEO ऑप्टिमाइज्ड। आप अमूमन अगर वेबसाइट भी बना रहे हैं, जो कि आप अमूमन वर्डप्रेस पे बनाते हैं, उसमें आप बहुत सारे अननेसेसरी प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं छोटे छोटे फंक्शंस यूज करने के लिए, तो वो आपकी वेबसाइट बहुत हैवी हो जाती है, लोडिंग टाइम उसका स्लो हो जाता है। सो क्योंकि एक कस्टम प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सिर्फ अपनी मर्जी की चीज इस्तेमाल करेंगे और जो नहीं इस्तेमाल करनी वो नहीं करेंगे, अननेसेसरी फंक्शंस नहीं चल रहे होंगे, तो इसमें लोडिंग टाइम बड़ा तेज होता है। प्लस जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रही है, वो बड़ी फास्ट है। उसके अलावा इसमें जो XML की जनरेशन होती है, जो कि अगेन एक SEO प्रैक्टिस है कि आपकी पूरी साइट का जो मैप है वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक XML क्या होता है, ये SEO वाले ज्यादा बेहतर समझते होंगे। उसके बाद URL राउटिंग, आप अपनी कस्टम URLs डिफाइन कर सकते हैं हर पेज के लिए और वो ऊपर क्या लिखा होना चाहिए हर पेज के लिए, वो SEO के लिए बड़ा एक फ्रेंडली प्रैक्टिस है। उसके अलावा मेटा टैग्स, इसको हम डिस्कस करेंगे, और ये www.middleware जो है ये होता है एक जेंगो में, जिसमें आपके हर URL पे HTTPS और www. आ जाता है, और दैट इज अगेन अ गुड प्रैक्टिस फॉर SEO। ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली SEO ऑप्टिमाइज हो जाती है, मतलब टेक्निकल SEO आपकी एड्रेस हो जाती है, बाकी फिर दूसरी चीजें जो आपका कॉन्टेंट उसमें कोई रोल नहीं है जेंगो का, वो आपके कॉन्टेंट पर डिपेंड करता है। सो इस कोर्स को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एसेंशियल और एडवांस। एसेंशियल वो चीज़ें हैं जो आपको किसी भी किस्म की बेसिक जेंगो एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए ज़रूरत है और जो आप सीख के जेंगो एप्लीकेशंस बना सकेंगे। एडवांस में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आएंगी तो आपकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर आपको नहीं आती तब भी आप जेंगो बेस्ड एप्लीकेशंस बना लेंगे। हाँ, अगर आपने REST APIs बनानी है, सिर्फ APIs अगर बनानी है, सिर्फ बैकएंड का काम करना है, तो वो एडवांस कवर करना भी ज़रूरी है। अगर आपने फुल स्टैक बनानी है तो एसेंशियल काफ़ी है। एसेंशियल वाले पार्ट में बेसिकली आपका बैकएंड और फ्रंट एंड लिंक्ड है। इसमें हम HTML भी वही यूज़ कर रहे होंगे जो जेंगो जनरेट करता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसमें स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू जेंगो से, जो कि हम ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारा पहला लेसन होगा, दैट विल बी एनवायरमेंट सेटअप, कि जेंगो के लिए आपने कैसे कन्फिगर करना है एनवायरमेंट को। इसमें मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, जो पाइथन के एनवायरमेंट सेटअप है ऑलमोस्ट वही जेंगो का, कुछ एडिशनल चीजें हो जाएंगी। उसके बाद जेंगो का प्रोजेक्ट और फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है उस पर हम बात कर लेंगे। फिर जेंगो एप्स कैसे बनती हैं, अब प्रोजेक्ट और ऐप इसमें अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। प्रोजेक्ट आपके पूरी डायरेक्टरी होती है, पूरा फोल्डर होता है जिसमें आप मल्टीपल फंक्शन
फंक्शनैलिटीज यूज कर रहे होते हैं वेब की. एप्स क्या होती है, हर इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी को आप एक सेपरेट ऐप में रख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए, ताकि वेरिएबल्स कन्फ्लिक्ट ना करें. अब ऐप से क्या मुराद है, लेट से आपका लॉग इन लॉग आउट वाला पूरा सिस्टम है, पेमेंट्स का सिस्टम है, यूजर्स को मैनेज करने का सिस्टम है, तो आप अकाउंट्स के नाम से एक ऐप बना लेंगे. फिर आपकी एक कोर ऐप होगी जो कि एक्चुअली आपकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है, उसके सारे फंक्शंस आप सेपरेट करने के लिए एक और ऐप बना लेंगे. ये सारी एक प्रोजेक्ट के अंदर ही चलेंगी. जब आपका सर्वर स्टार्ट होगा वो पूरा प्रोजेक्ट चलाता है, वो एक दो ऐप्स नहीं चलाता, जितनी ऐप्स आपने इंक्लूड की होती है प्रोजेक्ट में वो सारी चलाता है. फिर एमवीटी आर्किटेक्चर क्या है, इसको भी जो हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में तो वो बात करेंगे. एमवीटी से बनते हैं मॉडल व्यू टेम्पलेट. मॉडल व्यू टेम्पलेट क्या है, इसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे. फिर व्यूज कैसे बनते हैं, टेम्पलेट्स कैसे बनती हैं और उसके यूआरएल्स कैसे सेट होते हैं. व्यूज इसमें क्या होता है, जो हमने अभी पिछली स्लाइड पे बात नहीं की थी, जो बिजनेस लॉजिक विच इज एक्चुअली अ पाइथन फंक्शन, जो पाइथन फंक्शंस होते हैं ना इसके अंदर सारे, दोज आर, उसको हम व्यूज कहते हैं जेंगो के अंदर. टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जो एचटीएमएल पेजेस होते हैं उनको टेम्पलेट्स कहा जाता है, और यूआरएल्स का आपको पता है, यूआरएल्स उन सबके लिंक्स होते हैं. फिर जेंगो एडमिन इंटरफेस है. जेंगो एडमिन इंटरफेस क्या होता है, उसको कैसे कन्फिगर किया जाता है, उसको कैसे यूज किया जाता है. जेंगो एडमिन आपको डायरेक्टली डेटाबेस की एक बड़े अच्छे से इंटरफेस में एक्सेस दे देता है. सो कुछ एप्लीकेशन जिसमें सिर्फ आपने डेटा ही मैनेज करना है, उसमें जेंगो एडमिन इंटरफेस ही काफी है, आपको फ्रंट एंड बनाने की जरूरत ही नहीं होती. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेंगो में, दैट इज जेंगो मॉडल्स एंड जेंगो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडलिंग. इस चीज़ के लिए अगर आप ये पढ़ लेंगे ना तो आपको डेटाबेसेस वैसे ही समझ आ जाएंगे. इनके साथ में पहले डेटाबेसेस में नहीं क्वालिफाई किया हुआ. मॉडल्स क्या होते हैं, जेंगो में जो मॉडल्स होते हैं बेसिकली दे आर डेटाबेस मॉडल्स. उन मॉडल्स आर बेसिकली टेम्पलेट्स फॉर जनरेटिंग द ऑब्जेक्ट्स. जिस तरह हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास कहते हैं ना, जेंगो में उसको हम मॉडल कहते हैं. हर मॉडल के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं और डिफरेंट मॉडल्स का आपस में आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि किसी एक जगह पे आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. अब स्टूडेंट्स का आपने एक मॉडल डिफाइन कर देंगे, उसके बाद जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के या कंप्यूटर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप एक और मॉडल डिफाइन करेंगे. लेकिन आप उस मॉडल को बता देंगे कि ये रिलेट करता है स्टूडेंट मॉडल के साथ, वो रिलेशन आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि ताकि ये ना हो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स बनना शुरू हो जाएं और आपके स्टूडेंट्स के इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स बनना शुरू हो जाएं. जो आपके किसी डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्ट्स होंगे या स्टूडेंट्स होंगे वो बेसिकली सब क्लास होंगे स्टूडेंट्स के. इस तरह इन सारे मॉडल्स को आपस में रिलेट किया जाता है, इसको हम जेंगो ओआरएम में स्टडी करेंगे. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जेंगो स्किल. ये आपको आ जाएगा, बाकी सारी चीजें प्रोसीजर्स हैं. थोड़ा सा जो दिमाग लगता है किसी नई एप्लीकेशन या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैकएंड में, उसके लिए आपको अच्छी जेंगो ओआरएम आनी चाहिए. उसके बाद जब आपने मॉडल्स बना लिए, आप उसमें डाटा स्क्रिप्ट्स के थ्रू भी फीड कर सकते हैं और एडमिन इंटरफेस पे जाके भी फीड कर सकते हैं, या अगर आपने फ्रंट एंड बना लिया या आपने रेस्ट एपीआई बना लिया उसके थ्रू भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट करके फीड कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे डाटा पॉपुलेट करना स्क्रिप्ट से कैसे किया जाता है उसको सीखेंगे. अच्छा, स्टिल कंटिन्यूइंग द एसेंशियल पार्ट, जेंगो में फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं, फॉर्म सेट्स कैसे बनाए जाते हैं और ये होता क्या है. जब भी आपने कुछ एंट्री करनी है, ऑब्वियसली फ्रंट एंड से कुछ इन्फॉर्मेशन फीड हो रही होगी, लेट से कोई साइन अप हो रहा है, कोई लॉग इन हो रहा है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, तो उसके लिए फॉर्म्स चाहिए होते हैं. एक भी फील्ड है जस्ट किसी ने एक लाइन भी लिखनी है तो उसके लिए फॉर्म इस्तेमाल होता है. अच्छा, सिक्योरिटी एंड कस्टम वैलिडेटर्स ये क्या चीजें हैं. जब हम सिक्योरिटी पे बात करेंगे जेंगो की तब हम आएंगे इस पे. जेंगो टेम्पलेट्स क्या हैं. अच्छा, जेंगो एचटीएमएल ना समझें, एक अलग से लैंग्वेज है तो एचटीएमएल ही. उसके अंदर कुछ टेम्पलेट टैग्स आप जेंगो के ऐड करते हैं, उसका एक जेंगो फ्रेंडली वर्जन है जिसको आप जेंगो एचटीएमएल कहते हैं, और जेंगो की जबान में एचटीएमएल पेजेस को टेम्पलेट्स कहा जाता है. अच्छा, उसके अलावा एक बेसिक चीज जो ऑलमोस्ट आपको हर वेब एप्लीकेशन में जरूरत पड़ेगी, दैट इज यूजर ऑथेंटिकेशन सेशंस एंड कुकीज. के जब भी कोई यूजर लॉग इन होना चाहता है, साइन अप होना चाहता है, तो उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे हैंडल होती है, यूजर सेशंस कैसे जनरेट होते हैं, ये चीज, और ब्राउजर कुकीज कैसे सेव होती है. अच्छा, नेक्स्ट, HTML, CSS एंड JavaScript को कैसे हैंडल किया जाता है जेंगो के साथ. हमने HTML, CSS, JavaScript इंडिपेंडेंटली तो पढ़ लिया, लेकिन आपने लेट से कुछ स्क्रिप्ट सेव करनी है तो वो जेंगो में किस फोल्डर में कहाँ रखी जाएंगी, पूरी एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होगा, HTML कहाँ रखे जाएंगे, कैसे मैनेज किए जाएंगे, कैसे मल्टीपल जेंगो ऐप सेम HTML को यूज कर सकती हैं, या फिर मल्टीपल HTML एक पर्टिकुलर HTML को यूज कर सकते हैं. जेंगो में बेसिकली आप अगर एक चीज HTML का कुछ पोर्शन रिपीट हो रहा है ना तो उसको आप कॉल कर सकते हैं किसी और HTML के अंदर, और वो बड़ा ईजिली हो जाता है, वो जब हम इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे. बाकी CSS को कैसे मैनेज किया जाता है, तो ये बेसिकली सारी स्टैटिक फाइल्स हैं, ठीक है, इसको आप डेवलपमेंट की टर्म्स में स्टैटिक फाइल्स कहते हैं, ठीक है. उसके बाद जेंगो मिडलवेयर क्या है, ये जब हम जेंगो पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे. फाइनली एसेंशियल कंटेंट में आपके दो प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें आप एक ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे और एक सोशल मीडिया वेबसाइट बनाएंगे. ब्लॉग वेबसाइट इज वेरी सिंपल, जिसमें आपका एक ही यूजर होता है वो खुद लॉग इन करके ब्लॉग पोस्ट कर. सोशल मीडिया में इट इज डायनेमिक सिस्टम जिसमें कोई भी यूजर लॉग इन होकर कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, फिर उस कंटेंट की
टाइप्स जो डिफरेंट हो सकती हैं, फिर उसका टाइम लिखा आना किस टाइम पे क्या कमेंट हुआ, किस टाइम पे क्या पोस्ट हुई है, इसमें आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख लेंगे। यूज़र अकाउंट्स बनाना, डेटाबेसिस हैंडल करना, इसमें कोई बहुत एडवांस एल्गोरिदम नहीं होंगे, लेकिन एक जेंगो की कंप्लीट फंक्शनैलिटी बेसिक लेवल पे किस तरह इंप्लीमेंट की जाती है ये सारा आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, जेंगो ऐप्स को टेस्ट कैसे किया जाता है और डिप्लॉय कैसे किया जाता है। डिप्लॉय हम करेंगे पाइथन एनीवेयर पे, वहाँ पे बड़ा जेंगो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। और मैंने जब भी अपने जेंगो के प्रोटोटाइप्स किसी क्लाइंट को प्रेजेंट करने होते हैं तो मैं पाइथन एनीवेयर पे डिप्लॉय करता हूँ, वहाँ पे बड़ा क्विक प्रोसीजर है पाइथन बेस्ड। वो जेंगो और फ्लास्क के लिए बहुत अच्छा सपोर्टेड है, बाकी पाइथन के अलावा लैंग्वेजेस के लिए इतना सूटेबल नहीं है, बट अगर आप जेंगो एप्लीकेशन है तो वो पाइथन एनीवेयर के लिए बहुत सूटेबल है। सो ये तो हो गया हमारा एसेंशियल कंटेंट। अब ये आते हैं कि यहाँ तक देखें आपने हर चीज़ कर ली थी, पहले आपने एक सोशल मीडिया लेवल की वेबसाइट बना के उसको डिप्लॉय कर लिया था, एडवांस में आप क्या चीज़ सीखेंगे? एडवांस में एक तो जेंगो एडमिन को आप कस्टमाइज करना सीखेंगे। जेंगो एडमिन की पहले तो हम बात कर ली थी, लेकिन अगर आपने एक्सटेंसिवली जेंगो एडमिन को ही यूज़ करना है अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, उस एडमिन पैनल को आप अपनी मर्जी से कि वहाँ पे डेटाबेस डिस्प्ले कैसे हो रहा है उसको कस्टमाइज आप कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल से कस्टमाइज कर सकते हैं। उस जेंगो एडमिन को कस्टमाइज करना हम सीखेंगे, दैट इज एडवांस नॉलेज। और ये अगर आपको ना भी बहुत अच्छा कस्टमाइज करना आता हो तो आप एक डिसेंट ऐप बना सकते हैं। फिर हम सीखेंगे जेंगो क्लास बेस्ड व्यूज क्या होते हैं। क्लास बेस्ड व्यूज आपका बहुत सारा काम आसान कर देते हैं, जो कोडलेस वाली हमने शुरू में बात की थी वो यहाँ पे आपको नजर आएगी। उसके बाद जेंगो सीरियलाइजर्स क्या होते हैं। सीरियलाइजर बेसिकली आपका जो एक जेंगो मॉडल होता है, उस मॉडल को ना किसी जेसन ऑब्जेक्ट में, जेसन ऑब्जेक्ट वाले डिक्शनरी वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जेंगो सीरियलाइजर यूज होता है। वो मॉडल के ऑब्जेक्ट उठा के उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता है पाइथन की, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर जब आप उसको जावास्क्रिप्ट में पास करते हैं तो वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट होता है। सीरियलाइजर्स क्यों जरूरी होते हैं जेंगो में, क्योंकि जब लैंग्वेजेस के अक्रॉस कम्युनिकेशन हो रही होती है तो जेसन फॉर्मेट इस्तेमाल होता है। आपको जेसन मैंने जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया था, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो पाइथन भी फाइनली जब उसने फ्रंट एंड पे भेजना होता है डाटा तो वो सीरियलाइजर्स यूज करके अपने रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करती है। और ये स्पेशली चीज वहां इस्तेमाल होती है जहां पर आपने जेसन एपीआईज बनानी हो, आप रिस्पॉन्स चाहे जेसन में रहे हो, इनके फ्रंट एंड में भी जा रहे हो तो आप जेसन रिस्पॉन्स जो आ रहा होता है आप उसको पार्स करके आप उसको फ्रंट एंड की डिफरेंट फील्ड्स में डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्रड ऑपरेशंस क्या होते हैं, CRUD, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी जब भी आप अपने आपको बैकएंड डेवलपर कहेंगे तो शायद आपसे पहला सवाल यही हो कि क्रड ऑपरेशंस क्या हैं। दीज आर बेसिकली डेटाबेस ऑपरेशंस जिसमें सी स्टैंड्स फॉर क्रिएटिंग, आर स्टैंड्स फॉर रिट्रीविंग, यू स्टैंड्स फॉर अपडेटिंग, डी स्टैंड्स फॉर डिलीटिंग। मतलब आप किसी भी कंपोनेंट को डेटाबेस के अंदर से क्रिएट कर सकें, उसको निकाल सकें, रिट्रीव कर सकें, मतलब उसको डिस्प्ले कर सकें, फेच कर सकें, और यू मींस अपडेट कर सकें, उसमें कोई चेंज कर सकें या फिर उस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकें। तो ये क्रड ऑपरेशंस आना बहुत जरूरी है डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्रड ऑपरेशंस वी विल मूव टू द रेस्ट एपीआई। अब REST API Django में कैसे बनती है, उसके लिए उन्होंने स्पेशलाइज्ड अलग से लाइब्रेरी बनाई है, दैट इज Django REST Framework, और उसमें बड़ा इजीली आपकी REST APIs बन जाती हैं। उसमें आप REST APIs में फर्क क्या है कि REST API में कोई फ्रंट एंड नहीं होता, आपको JSON की फॉर्म में रिस्पॉन्स आ रहा होता है, और जब आपने पोस्ट रिक्वेस्ट भी करनी है तो आप JSON की फॉर्म में ही डाटा भेजते हैं। लेकिन उसमें फर्क ये है कि किसी भी सिस्टम के साथ पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। अमूमन इसमें यूज किया जाता है पोस्टमैन के नाम से एक वेबसाइट है, वहां से आप API रिक्वेस्ट भेज के कोई भी API टेस्ट करनी हो तो वो यूज करते हैं। लेकिन Django फ्रेमवर्क में खूबसूरत बात यह है कि आपको पोस्टमैन नहीं यूज करना पड़ेगा, Django आपको ब्राउजेबल API बना देता है। मतलब जहां पे भी पोस्ट रिक्वेस्ट जानी है वहां पे वो आपको फॉर्म जनरेट कर देगा, यहाँ यहाँ पे लिख दो जो भी चीज आपने पोस्ट करनी है उस एड्रेस पे। अच्छा, फाइनली एसिंक्रोनस टास्क विद सैलरी, ये एक एडिशनल फ्रेमवर्क है। एसिंक्रोनस टास्क एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में वेब में इजीली नहीं होते उस तरह, जिस तरह आप पाइथन में अगर आप मल्टीपल थ्रेड्स लॉन्च कर दें तो एक पाइथन बेस्ड अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन चल रही हो वो तो बड़ा इजीली उसको हैंडल कर लेती है। लेकिन सर्वर पे एसिंक्रोनस टास्क जिस टाइम यूजर नहीं यूज कर रहा, खुद ब खुद चीजें चलती रहे और टाइम्स के साथ रिलेट हो, लेट से आप कहते हैं कि किसी ने अकाउंट बनाया है, अगर उसने 20 दिन से लॉग इन नहीं किया तो उसका अकाउंट खुद ही डिलीट हो जाए, तो इस चीज को आपने एसिंक्रोनस टास्क से आपको हैंडल करना पड़ेगा। और सैलरी एक फ्रेमवर्क है, वो आप कैसे यूज करेंगे ये हम स्टडी करेंगे। जेंगो सिग्नल्स एक छोटी सी चीज है एडवांस ही, क्योंकि बेसिकली आपको जरूरत नहीं पड़ रही होती जनरली सिग्नल्स की, लेकिन उसको भी क्योंकि हम होलसम कोर्स है उसको कवर कर लेंगे। फाइनली एक ई कॉमर्स स्टोर, ई कॉमर्स किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एक बुक स्टोर है उसके लिए हमने REST API कैसे बनानी है। ये आपका प्रोजेक्ट होगा, इसमें आपको रिक्वायरमेंट्स दे दी जाएंगी और आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, और उस एग्जीक्यूट करने के बाद इसका मैं सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस कोर्स, मिलते हैं अपने पहले लेक्चर में जाएंगे।